बांग्लादेश की स्थिति बेहद ही खराब होती जा रही है। शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भारत में अग्रतला आ चुके हैं। बांग्लादेश में हजारों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस चुके हैं, वहां पर तोड़फोड़ की गई, पक्ष विपक्ष आपस में भिड़ चुके हैं। आपको बता दें कि आरक्षण के मुद्दे पर बांग्लादेश में आंदोलन चल रहा था। बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर बवाल 2018 के आसपास शुरू हुआ। बवाल का मुख्य कारण कोटा सिस्टम है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों और शिक्षा में विशिष्ट समूहों को आरक्षण दिया जाता है, जैसे कि स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज, जातीय अल्पसंख्यक और महिलाएं। 2018 में छात्रों ने कोटा सिस्टम के खिलाफ आंदोलन किया। उनका कहना था कि कोटा सिस्टम मेरिटोक्रेसी को कमजोर करता है और इसकी वजह से योग्य छात्रों को अवसर नहीं मिल पाता। विरोध प्रदर्शन में छात्रों ने मांग की कि कोटा सिस्टम को पूरी तरह से खत्म किया जाए या फिर इसमें पर्याप्त सुधार किए जाएं। छात्रों का कहना था कि यह सिस्टम भ्रष्टाचार और दुरुपयोग के लिए उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से वहां दंगे हुए और जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की भी जाने चली गई। लगातार दंगे वहां पर भड़क रहे हैं और जो उग्रवादी या प्रदर्शनकारी हैं वह प्रधानमंत्री के आवास में घुस गए हैं, वहां तोड़फोड़ की है। सेना ने शेख हसीना से कहा था कि उनसे देश नहीं संभाला जा रहा तो इस्तीफा दे दें, और उनको 45 मिनट का समय दे दिया था जो वो देश को छोड़ दें। दंगे की वजह से 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। सरकार ने हालांकि सोमवार से बुधवार तक की छुट्टी का ऐलान किया है और हिंसा प्रभावित कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके बाद भी ये हिंसा थमी नहीं, जिसमें अभी तक 15 पुलिसकर्मियों की जानें चली गई। आपको बता दें कि कुछ समय पहले सरकारी नौकरी के लिए कोटा प्रणाली खत्म करने की मांग को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, जिसने अब हिंसा का रूप ले लिया है, और उसके बाद शेख हसीना के इस्तीफे की खबर आ रही है। साथ ही साथ शेख हसीना ने देश भी छोड़ दिया है। सड़कों से पुलिस को हटाकर सेना तैनात कर दी गई है। बांग्लादेश में कर्फ्यू के बीच हिंसा जारी है और इस हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। खबर आ रही है कि जिसमें बांग्लादेश की सेना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जिसमें इस मुद्दे पर और जानकारी मिलेगी। आप ये जो तस्वीरें यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही हालात अभी बांग्लादेश में है, जहाँ चारों ओर प्रदर्शनकारियों ने हिंसा फैला रखी है। हर तरफ लाठियां लेकर भीड़ हिंसक है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने बताया कि बांग्लादेश में सेना ने सब संभाल लिया है और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन होगा। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर तरफ सिर्फ दंगा है। सेना बल को तैनात किया गया है।